रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए काफ़ी बिंदुओं पर विचार किया गया है कि कैसे हम रिम्स को और बेहतर रिम्स का प्रबंधन करें, आम जनता को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ दें। एक तो डायलिसिस यूनिट की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी ही, जो शुरुआती दौर में 20 यूनिट से हम चालू करेंगे, ताकि जो किडनी के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको लाभ दिया जा सके। दूसरा है कि इक्मो मशीन हमारे राज्य में अभी तक नहीं है, जिसको दो इक्मो मशीन को तत्काल क्रय करने का विचार किया गया है। ना उसके पास मुख्यमंत्री गंभीर योजना का कार्ड है, ना आयुष्मान का कार्ड है, ना उसके पास लाल कार्ड है, ना राशन कार्ड है। आखिर इंसान तो है झारखंड का। अब मान लीजिए कि उसको हार्ट अटैक हो गया और उसको यदि दो आर्टरी ब्लॉक है और चिकित्सक ने बोल दिया कि आपको दो स्टेंट लगाना है, वो गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा तत्काल में? कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विभाग के अध्यक्ष और जो चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं, वो और एक और वरीय चिकित्सक जो दूसरे विभाग से का होगा, ये लोग उसकी अनुशंसा करेंगे और विभाग अध्यक्ष के पास ये दायित्व होगा कि वो 5,000 रुपया तक का उसको तत्काल मदद पहुंचा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ एमएस के द्वारा होती हुए जाएंगी। नियुक्तियाँ हैं उसको, जो हमको मैन पावर की ज़रूरत है अपने हिसाब से, उसमें जो नए लोगों को का चयन हमको करना होगा, उसके लिए हमको कार्मिक और वित्त से सहमति और अनुमति लेनी होगी, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए भी हम लोग अब रिम्स की तरफ से, विभाग और विभाग की तरफ से वित्त और कार्मिक में जाएंगे। इस यूनिट की स्थापना जो है, ये मैं समझता हूँ ये आवश्यकता है, और ये हम लोग इसको भी विचार कर रहे हैं कि इसको क्या रिम्स प्रबंधन अपने करें, या इसको पीपीपी मोड पर दे, या नॉमिनेशन के आधार पर दे। तो ये एक गहन चिंतन मनन हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी ही चीजों को धरातल पर लाएंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।